समरा गाड़ी में बैठो। मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, और अब तुम क्यों आए हो मुझे लेने के लिए? प्लीज गाड़ी में बैठो। मैंने कहा है ना, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। बाबा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या, कैसे, ये कैसे हो गया? मैं आ रही हूँ, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ बाबा, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत मुझे घर जाना है, अभी इसी वक्त जाना है मुझे घर। क्या हुआ समरा? अम्मी का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मुझे घर ले चलो। लेकिन समरा, ये तो हमें गांव के लिए निकलना है यार। हाँ, तुम मुझे घर लेकर जा रहे हो या मैं अकेली चली जाऊं? समरा, ये दिन दिखाने के लिए तुमने इस शहरी लड़की से शादी की थी? सबके सामने तुम्हें हुक्म दे रही थी साथ चलने का, और जब तुम नहीं माने तो वो खुद ही चली गई बगैर इजाजत लिए। आप दोनों क्या चाहते हैं यार? मेरी मोहब्बत मुझे छोड़ के जा रही है, और आप हैं कि कहीं नहीं जाना मुझे आप दोनों के साथ, कहीं नहीं जाना। निकलो बाहर। जानवर इतना होता। गाड़ी में बैठो। मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, और अब तुम क्यों आए हो मुझे लेने के लिए? प्लीज गाड़ी में बैठो। मैंने कहा है ना, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। तुम जाके खड़े हो अपने अम्मी बाबा के पास, तुम्हें मेरी तो कोई फिक्र नहीं है। गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। मैंने कहा है, सॉरी, मैं कोई मदद कर सकता हूँ? भाई साहब, ये हमारा आपस का मामला है, मेरे हस्बैंड है। आई एम सो सॉरी। फाद सुल्तान। सारंग, सॉरी हाँ। इट्स गुड। क्या हो गया आपको? अरे बेटा, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो, जरा सी पाँव में मोच आ गई है। अरे बेटा, कुछ नहीं है, तुम्हारे बाबा तो बस बहाना ढूंढते हैं ना तुम्हें बुलाने का। अरे बेटा, यकीन करो, जिस तरह इन्होंने मुझे फोन किया था ना, मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए, और मैंने घबरा के तुम्हें फोन कर दिया। हाँ, लेकिन ये मामूली चोट तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है, इतना पाँव सूज गया आपका, और कैसे आ गई मोच? अब तुम चली गई हो ना, तो सीढ़ी पे चढ़कर फल तोड़ रही थी, बस पांव फिसल गया। बताओ, इस उम्र में सीढ़ी पे चढ़ के फल तोड़ने की क्या जरूरत है?